तो आज है वेंसडे, मतलब 16 नवंबर, और आज हम लोग निकलेंगे। आज एक्चुअली मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, ऑफिस तो जाने लग गया हूँ, 2 दिन होके आया। अच्छा है ऑफिस, बढ़िया है। कल पार्टी करने भी गए थे। आज हम लोग निकलेंगे, आज ऑफिस नहीं आना है। आज 9:45 पे हमें पिक करने आएगा गैरी वापस, और गैरी हमें लेके जाएगा घर दिखाने के लिए। तो 6 घर देखने की अपॉइंटमेंट आज फिक्स हुई है, तो मेरे ख्याल से 6 ही दिखाएगा वो। उसके बाद अगर कुछ देखना है तो वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। बट जिस कंपनी के थ्रू आए हो तो वहाँ से ये है कि एक दिन पूरा जितनी भी प्रॉपर्टीज आप विजिट कर सको कर सकते हो। तो 6 अपॉइंटमेंट्स हैं आज की। बट ये जो घर था जिसमें हम लोग अभी रह रहे थे, ये अभी है इस महीने के एंड तक, मतलब 14 दिन और है हमारे पास। बट ये वाला आराम जो है वो अब नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि ये आराम का जो कॉस्ट है वो बहुत महंगा है। कंपनी दे रही है इसलिए अफोर्ड हो पा रहा है, नहीं तो यहाँ रहना वैसे नहीं पॉसिबल है। तो मैंने इंटरनेट वगैरह पर सर्च किया था, तो ये घर जो है, इस घर का जो रेंट है अप्रॉक्सीमेटली 2,500 से $3,000 पर मंथ रहता है। सर्विस अपार्टमेंट है, और जो घर हम देख रहे हैं तो जो बजट हमारा रहेगा वो करीब वही $1,200-$1,300, इसके आसपास का ही घर देखना है। 1 BHK या 2 BHK जो भी मिल जाए, 1 BHK भी चलेगा क्योंकि अभी तो 2 ही लोग हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के घर होते हैं, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। तो फर्निश्ड, अनफर्निश्ड घर में भी आपको ये सारी चीज़ें जैसे फ्रिज, ओवन, स्टोव, ये सब, लॉन्ड्री, डिशवॉशर, ये सब मिल जाता है। केवल सोफ़ा, बेड और टीवी वगैरह नहीं मिलता। बट जो फर्निश्ड होते हैं आपको सोफ़ा, बेड, टीवी, टेबल, रग, कुछ जगहों पर बर्तन वगैरह, ये सब मिल जाता है। तो उसके हिसाब से रेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। और एक चीज़ होती है कि यूटिलिटीज़, मतलब जैसे अपने यहाँ इंडिया में बिजली का बिल आता है, पानी का तो ना के बराबर आता है, तो यहाँ पर 3 चीज़ों का बिल है प्रॉपर। वो है हीट, जो मतलब घर की हीटिंग वगैरह, ये थर्मोस्टेट वगैरह लगा हुआ है, पानी वगैरह जो गर्म होता है, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, 3 चीज़ों का बिल यहाँ पर रहता है। तो जब घर देखने जाते हैं तो ये भी देखा जाता है कि रेंट में क्या क्या इंक्लूडेड। तो यूजुअली हीट और वाटर तो सब में इंक्लूडेड रहता ही है रेंट में, बट कुछ लोग तो कुछ होते हैं घर जिसमें हीट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सब देते हैं, और कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं जो कि हीट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी प्लस इंटरनेट प्लस टीवी केबल, ये सब देते हैं। तो लेट्स सी, हर तरह के ऑप्शंस हैं आज देखने के लिए। जैकेट पहन लिया है, पासपोर्ट रखना ज़रूरी है, और इसको रखना चाहिए अपने कपड़ों में ही अपने पास। बैग वैग में रखना उतना सेफ नहीं है, क्योंकि फिर बैग संभालना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। बेटर है कि अपने कपड़े में ही कहीं, और अगर जिप है तो फिर तो बैग ले चलना है, बट पासपोर्ट दिल के करीब। घड़ी तो -1 बता रही है, लेट्स सी, -2 टेम्परेचर है अभी। सूरज निकलने वाला है, तो हम लोगों की बिल्डिंग के पीछे से सूरज निकलता है, बट ये जो बिल्डिंग्स हैं ये हमें काम करती हैं हमें डायरेक्ट सनलाइट देने का। जैसे ही सूरज निकलेगा ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्शन आएगा, और फिर पूरा हमारे घर में मस्त धूप आती है। Yep, let's go. गैरी भाई का कॉल आ गया, निकलते हैं यार। आज सबसे लाइट क्लोथिंग पहन के जा रहा हूँ मैं, और शायद तुम भी, तुम निकली कम हो ना, आज कोई थर्मल वगैरह नहीं पहने। ये गहरी की कार है ना, हेलो गैरी। So we are going to visit these 5 places, but there were 6, right? I canceled one because it was just in that area that I was telling you that it's too far. Oh, okay. Which street was that? It was on 96th Street. 96, okay. Just across from Canada Place. It's a nice building, mm-hmm. but it's not. There's nothing there. Okay. So it's not a nice area. ये हमारी पहली बिल्डिंग है आज की। ये एरिया अच्छा लग रहा है, एक मॉल भी है एक्चुअली। ये पूरा मतलब शॉपिंग ही शॉपिंग है। स्टेपल्स, हाँ स्टेपल्स यहीं था ना, यहीं है। हाँ तो ये लोकेशन तो अच्छी दिख रही है, द ब्राइटन करके ये बिल्डिंग है। अभी जाएंगे अंदर, गैरी आ गया। यू वर हियर? नो, व्हेन आई वाज आउट विद हिम नो द अदर डे, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। या या, नो, वी जस्ट गॉट हिज सोशल इंश्योरेंस। या, वॉक विद हिम टुमारो। थैंक यू। ये वाली बिल्डिंग पे तो अपॉइंटमेंट का थोड़ा कुछ इशू हो गया, कंसर्न पर्सन से बात नहीं हो पा रही है। तो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेट्स सी हाउ इट इज। नाउ वी आर एट आवर सेकंड प्रॉपर्टी, नोवा मैनोर।
We are at our second property now. First property was not that good. Like few things were damaged. And it smelled like marijuana in there. Let's see. Even the building, I did not like the building that much. This building looks better. Let's see. This also has that in-suite laundry and everything. Just the microwave is not available. As soon as the sunlight is gone. Two bedrooms are quite popular because a lot of people are, like, you guys in university or something, right? Share the bedroom costs. Admin office. We can take the video, right? Yeah, sure. Oh, it has a fireplace. Oh, oh my god. I buy this. This is nice. This is a very bright. Yes. Suite with a lot of light and everything. And this is for 1387. स्नो भी शुरू हो गया भाई, मेनू लाइफ पेस आ गया, इसी पे होगा। आओ आओ, हम लोग अभी एडमिन सिटी सेंटर मॉल में आ गए हैं। वो घर तो देख लिया, तो आई थिंक जो स्टूडियो रूम था वो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। देखने गए थे मोनीश के लिए, बट हम लोग को अपने लिए पसंद आ गया। हालांकि और भी हैं, मोनीश को मिल जाएगा। मत बोलो मोनीश ने अगर देख लिया वीडियो डाटा का। जो तीन चार ऑप्शन देखे आपने भी देखे होंगे, तो उसमें जो 1 BHK वाला है वो 1387 मतलब $1400 के आसपास है। बहुत बढ़िया, मतलब फायर प्लेस वगैरह सब कुछ है। आई थिंक $880 में स्टूडियो है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। यूटिलिटीज और फर्नीचर ये सब हो जाएगा, थोड़ा जो मैंडेटरी स्टफ है दैट वी विल बाय। वो काम हो गया, अभी बस एप्लीकेशन डालनी है ऑनलाइन। तो विनर्स जो है यहाँ पर, विनर्स में अगर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी हो तो तीन चार स्टोर हैं, जैसे हडसन बे हो गया जो कि हमारे एरिया में नहीं है, अभी टेम्परेरीली क्लोज है अभी। देन वी हैव विनर्स एंड वी हैव स्पोर्ट चेक। सो स्पोर्ट चेक और विनर्स दोनों इसी मॉल में हैं। देखता हूँ, हमेशा सोचा था कि कोलंबिया की पार्क का जैकेट खरीदूँगा या कोलंबिया की कोई भी डाउन जैकेट, देखो मिलती है कि नहीं। मुझे लगा इस टाइप के वेदर के लिए, बट फिर भी वो बोला ग्लूमी डे। मेन वाले में क्लियरेंस सेल है, टॉमी का ये जैकेट आई थिंक $139। कोलंबिया कहाँ है टॉमी? ये टॉमी का जैकेट है, सिर्फ $119। कैसा है? अच्छा है, बट इसमें चेन भी उल्टे होता है ना, इस तरफ ये है, इस तरफ ये है। इट्स गुड, वेरी नाइस। Trying for the another one.
पहले देख लो क्या लेना है, बर्गर चाहिए कि मील चाहिए, क्या चाहिए? मैडम को लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो हम लोग मैकडी में आ गए, $15.50 के आसपास लगा है। यहाँ ये सब चीज़ें बड़ी सही है, सेल्फ पे का काउंटर होता है अपना, वहीं पर ऑर्डर बनाओ और कार्ड लगाओ, अभी तो पिन भी नहीं डालता तो ईजिली सब कुछ पे हो जाता है। मैडम खुश क्या है? योगर्ट, मेरा चिकन नगेट है ना। अब हम लोग आ गए दूसरे स्टोर में। भाई अभी तुम्हारे भाई की औकात नहीं है कोलंबिया लेने की, बट लेंगे किसी दिन, रुकते हैं एक दो महीने कोलंबिया लेंगे, अभी थोड़ा महंगा चल रहा है। मैंने सोचा था $200 तक में आ जाएगा, बट $200 तक में जो आएगा वो काम का नहीं रहेगा मेरे। हम लोगों ने अभी स्पोर्ट चेक में चेक किया है, बट बाहर कहीं से भी निकल लो, स्पोर्ट चेक पर चेक किया है, बट विनर्स से हम लोगों ने अभी कैटरपिलर जो कैट कंपनी है ना उसका जैकेट कोट एक्चुअली लेके आए हैं, अच्छा खासा गर्म है, लॉन्ग भी है, जिसको जैकेट के ऊपर पहन सकते हैं अच्छी खासी लेयर के साथ, और पार्का है वो जो फर वाला हुड होता है उस तरह का है। ओ भाई साहब बहुत ज़बरदस्त ठंड हो रही है अभी, -6 चल रहा है, ये देखो -6 ही हुआ है, विंड चिल है लेकिन अच्छा खासा, लेकिन ये विंड से अच्छा प्रोटेक्ट कर रहा है। आगे हम लोग अपने आराम से, जो ETS सर्विस है उसका मैंने टिकट्स 10 का टिकट मिनिमम ऑर्डर करना पड़ता है, 10 टिकट का पैकेट, तो वो मैंने ऑर्डर किया है ऑनलाइन, वो ड्रॉप करेगा कभी, तो देखते हैं कब करता है, अभी पता नहीं है कुछ सिस्टम अभी, या तो यहाँ पर जो शॉप्स हैं उसमें कुछ शॉप्स को ये परमिशन होती है बेचने की, वहाँ जाकर मैंने पता किया था, वहाँ किसी एक शॉप में तो ख़त्म था, फिर मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया। अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने अब, क्योंकि पहले तो ये था कि बाहर निकलेंगे तो इंटरनेट नहीं रहेगा, तो हम लोगों ने सिम कार्ड ले लिया था अपना, डे ज़ीरो में आए थे, डे 1 में ही हमने सिम कार्ड ले लिया था, तो सिम कार्ड यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी, टेलस रॉजर्स बेल, ये तीन तो सबसे कॉस्टली और सबसे बढ़िया नेटवर्क सिनी का है, बट इनकी भी सब्सिडियरीज हैं छोटी कंपनी जैसे फाइडो, कूडो, फ्रीडम, तो हम लोगों ने फाइडो का सिम लिया था। तो जब मैं आ रहा था तो यहाँ पर मुझे जब मैंने एनालिसिस की थी उससे लगता था कि बहुत महंगा होगा, तो $80 पर हेड मैं लेके चल रहा था, 160 का मैंने एस्टिमेट लगाया हुआ था, लेकिन जब मैंने फाइडो की सिम ली एक्चुअली तो $55 था मेरे लिए, लेकिन उसमें ऑफर हमेशा चल रहे होते हैं, तो $15 का डिस्काउंट मुझे अगले 12 महीने तक रहेगा, तो $40 मेरा बिल आएगा, और उसी में अगर आप एक्स्ट्रा लाइन ऐड कराते हो जैसे कि पूजा का जो नंबर है वो मेरे लिए एक्स्ट्रा लाइन है, तो उसको $5 और डिस्काउंट फैमिली, हाँ, तो पूजा का जो बिल आएगा वो $65 आएगा, मेरा आएगा करीब वही $40-75, तो टैक्स टूक्स लग के एक ऐसे $80 तो टोटल बिल आया करेगा। कनाडा कॉल्स जो हैं वो अनलिमिटेड रहेंगी, और इंटरनेशनल SMSs जो हैं टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट, वो अनलिमिटेड रहेंगे। डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो रहेगा 8 GB दोनों में, तो 8 8 16, तो इस तरह से वो भी सही है। अब फटाफट मैं अपना घर का एप्लीकेशन जो है डाल लेता हूँ, मतलब यहाँ पर प्रोसेस ऐसा है कि आप रेंट पे जब देख के आते हो तो एक एप्लीकेशन होती है वो फिल करनी होती है आपको, जो भी स्वीट नंबर देख के आए हो, रूम नंबर देख के आए हो, उसके बेस पर आपको फिल करना होगा वो, तो वो प्रॉपर्टी मैनेजर के पास जाती है रिक्वेस्ट, वो अप्रूव करते हैं तब आप आगे बढ़ सकते हो। चलो वो काम कर लेते हैं इससे पहले कि हमारा स्टूडियो रूम उड़ जाए।